Assalamu alaikum, I'm Irfan Awan. In this video, I'm going to tell you about how you can do registration for A1 test for yourself, even for IELTS test yourself. Or the second A1 test ka speaking and listening concept, how it can be more productive when you practice, when you train yourself. कि आप जो है वो prepare करें जो कि exam में आ जाए चीज़ें, some new techniques, new tips and tricks. मैं आपको बताऊँगा. तो इसमें यह है कि आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का तरीका तो बहुत आसान भी है. यू कैन डू योर सेल्फ एंड पीपल गेट कन्फ्यूज, दे एक्चुअली डोंट नो, दे डोंट हैव द आइडिया कैसे रजिस्टर करना है टेस्ट के लिए. तो यू कैन गो ऑन द वेबसाइट ऑफ AEO और ब्रिटिश काउंसिल, एनी आइल्स टेकिंग बॉडी. तो वहाँ पे जाके आप उसमें जो है टेक एन एग्ज़ाम, और फिर वहाँ पे लोकेशन आपसे पूछी जाएगी. Country, location, city, like dates available will be shown for that city. फिर देखें जो भी आपने opt करना है उसके मुताबिक आप choose करें test for according to your own feasibility. और फिर जो है उस test के लिए आप register करें. आपकी details होंगी उसमें, नाम होगा, passport number या CNIC जिससे भी आप register करते हैं तो वो होगा. उसके बाद आपके address वगैरह, education, उनका procedure बहुत आसान है. कुछ चीज़ें जो mandatory है fill करना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो optional है. तो डोंट कन्फ्यूज योर सेल्फ विद ऑप्शनल. जो ऑप्शनल आप देखिए उसमें जो है अगर वो डेट स्टार्ट मैंडेटरी, देन डोंट बी कन्फ्यूज विद इट. इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, लीव इट, राइट. और ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगी. तो उसमें ये स्टेप्स हैं, और एक पेज डिस्प्ले होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा. तो उसमें आखिर में जो है पे ऑनलाइन जो है वो ऑप्शन आता है. सो यू कैन पे ऑनलाइन. अगर आपका अपना जो है वो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है तो आप ख़ुद टेस्ट दे रहे हैं तो डैट्स बेटर, उसी के ज़रिए आप पे ऑनलाइन कर दें. और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये है कि आप पे ऑफलाइन का ऑप्शन है उस पर क्लिक करें. जैसे AEO में पे ऑफलाइन का ऑप्शन आता है, एंड देर मैनी क्विक पे ऑफ ऑप्शंस देर. तो उसके मुताबिक जो है आप वो पे कर सकते हैं. ऑनलाइन ऑप्शन तो बहुत से हैं, ऑफलाइन पेमेंट ऑप्शन भी है जिसमें डिपॉजिट स्लिप आप इशू करवा सकते हैं AEO से, और जो है बैंक जो ड्राफ्ट है उनका वो बनवा सकते हैं. और फिर वो ड्राफ्ट जो है किसी बैंक से बनवा के उनको आप जो है वो AEO को भेज सकते हैं. दैट वुड बी डिपॉजिटेड इन देयर अकाउंट. तो आपकी कन्फर्मेशन ये जो है 3 वर्किंग डेज़ में होना चाहिए. उसके बाद फिर अगर 3 वर्किंग डेज़ में आपने ऑनलाइन रजिस्टर करवाने के बाद नहीं किया तो फिर आपकी वो बुकिंग कैंसिल हो जाती है. इस ब्रिटिश काउंसिल है उनके भी 5 वर्किंग डेज़ है पे ऑफलाइन ऑप्शन. और उनके जो है ऑफलाइन आप कहाँ पे कर सकते हैं, लाइक HSBC है, और उसमें जाके आप जो है उनके वहाँ पे चालान फॉर्म और पूरा एक एनवेलप है उसके अंदर कि चालान फॉर्म वगैरह वो आपने पे करके वहाँ पे तो दो चालान फॉर्म उनके उस एनवेलप में रखना है. देन योर प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, देन योर CNIC और पासपोर्ट कॉपी, और वो आप उनको जो है बैंक वालों को दे देंगे तो वो उनको सेंड कर देते हैं. तो इस तरह फिर वो रजिस्ट्रेशन आपकी कुछ दिनों के बाद कंफर्मेशन आ जाती है. और AEO का भी ये प्रोसेस है कि आप HBL के थ्रू पे कर सकते हैं, और जो भी बैंक ऑथराइज्ड है उनके ज़रिए से आप जो है वहाँ जाकर उनको पे कर सकते हैं. तो वो उनके कंप्यूटर में आ जाते हैं कि डिपॉजिट हो गया, दैन दे सेंड यू कन्फर्मेशन मैसेज. और इसके अलावा जो है ऐप्स भी बनी हुई है, लाइक आप यू कैन डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले ऐप फॉर रजिस्ट्रेशन. तो वहाँ से भी जो है आप रजिस्ट्रेशन हो जाती है, मतलब उन ऐप के ज़रिए से भी रजिस्ट्रेशन. बट मेक इट श्योर डैट इज़ द ओरिजिनल वन, नॉट द फेक वन, दैट्स इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो ये तो था रजिस्ट्रेशन के हवाले से. तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जो डिफ़िकल्ट, दे हैव मेड इट वेरी इजी, वेदर इट्स ब्रिटिश काउंसिल अदर AEO, कि वो जो है आप इजीली पे कर सकते हैं उनके थ्रू. तो ये है रजिस्ट्रेशन ऑप्शन एंड रजिस्ट्रेशन डिफरेंट ऑप्शन विच जस्ट मैंशन, एंड यू कैन गो फॉर डैट. बाकी ये कि आप किसी रजिस्ट्रेशन सेंटर पे जाके वहाँ से रजिस्टर करवाएं तो दे विल चार्ज देयर ओन फी एज वेल, दैट प्रोसेसिंग फ़ी. तो ईजीली यू कैन डू इट योर सेल्फ, नॉट अ बिग डील. तो ये तो था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस. बाकी जो है वो स्पीकिंग एंड लिसनिंग के हवाले से, एज आई टोल्ड अर्लियर एज वेल, कि वो टॉपिक्स जो है ना नए नए इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं. तो इन टॉपिक्स में जो है आपको जो कोई भी टॉपिक नए जो आ सकते हैं उसमें, लाइक लास्ट टाइम वन ऑफ माई स्टूडेंट गॉट अ टॉपिक ऑन ट्रेन्स, बाईसाइकल्स, फ्लाईओवर्स, और न्यूज़ पे, बुक्स पर. एंड सम स्टूडेंट्स डोंट हैव आइडिया अबाउट बुक्स
For example, you ask someone, okay, tell me about the book which you read last time or recently. The student not sure about that, so they get confused about it. Tell me the name of the author of the book which you read recently, so they don't know about that. इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए इसका, व्हाट इज़ द थीम ऑफ दैट बुक एटलीस्ट. तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं. फिर इस तरह के टॉपिक्स होते हैं कि सम टाइम योर माइंड इज़ ब्लैंक अबाउट दोज टॉपिक्स. लाइक इफ द टॉपिक इज़ अबाउट फ्लाई ओवर्स, स्टूडेंट्स डोंट नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फ्लाई ओवर्स, राइट? तो अगर मीनिंग नहीं पता तो वो टॉपिक पर क्वेश्चन क्या करेंगे. और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो स्टूडेंट बाज दफ़ ऐसे करते हैं, लाइक यू आस्क स्टूडेंट ए टॉपिक इज़ पार्क्स फॉर एग्ज़ाम्पल. So one candidate asked the other, do you visit parks? So the student says, no, I don't visit parks. So next question was, what was the name of the park or where is that park located? So in this way, like next question, first answer negates the next question. So they don't know what to ask next because student has said, doesn't like or doesn't visit, doesn't go there. So is tarah ke bhi jo hai wo सिचुएशन को हैंडल करना आपको आना चाहिए. अभी क्वेश्चंस कैसे बना लें, किस तरह कन्वे करना है मैसेज करेक्टली, और किस तरह जो है वो लिस्टिंग को अंडरस्टैंड करके प्रॉपरली. बिकॉज लिस्टिंग भी होता है कि पहले वो आपको क्वेश्चन बता देते हैं फिर आपको लिस्टिंग सुनवाते हैं. देयर आर टू क्लिप्स ऑफ 30 सेकेंड्स, तो उसमें आपको जो है वो दोनों कैंडिडेट्स को दोनों क्लिप्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एटलीस्ट टू क्वेश्चन ऑन दैट. तो केयरफुली सुने, की वर्ड जो है नेम, पर्सन, प्लेसेस, फिगर्स, डेट्स, नेम और नंबर्स, ये नोट करें. ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे होते हैं, ठीक है? तो बाकी अब ये नहीं कह सकते कि टेस्ट बहुत आसान है और मैं जाके फ़ोन कर लूँगा, ऐसे भी नहीं है. बट यू नीड कॉन्फिडेंस, बट कॉन्फिडेंस विद गुड प्रैक्टिस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? तो टॉपिक्स नए नए आते रहते हैं और टॉपिक्स जो चेंज भी होते रहते हैं. लाइक लास्ट टाइम इट वॉज समर सीज़न, तो एक कैंडिडेट मेरे अपीयर हुए स्टूडेंट, तो उनको जो है समर पे टॉपिक आया, तो दैट्स क्वाइट ओके. अपॉइंटमेंट में इसी तरह जो है वो टॉपिक मीटिंग पे भी आ सकता है. सब आइल्स टॉपिक्स दे कैन गिव एन A1 टेस्ट एज वेल, जो कि वहाँ पे स्पीकिंग टेस्ट में आते हैं. आइल्स एकेडमिक हो या जनरल, तो उसी से रिलेटेड टॉपिक्स भी आ सकते हैं. ओके, सो विश यू गुड लक फॉर द टेस्ट. और ये है कि आप जो है यू कैन प्रिपेयर विद मी ऑनलाइन, इवन फेस टू फेस, एंड यू वेलकम फॉर डैट. होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू टू हैव बेटर आइडिया अबाउट A1 टेस्ट एंड प्रिपेयर वेल. सो विश यू गुड लक, थैंक यू.